24 नवंबर का एहतजाज। इमरान खान और अली अमीन गंडापुर की मुलाकात के पसे पर्दा क्या हुआ? रावलपिंडी की अडियाला जेल एक बार फिर सियासत का मरकज बन गई, जब इमरान खान और खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला अली अमीन गंडापुर के दरमियान 1.5 घंटे की अहम मुलाकात हुई। ये मुलाकात न सिर्फ 24 नवंबर के पीटीआई एहतजाज की तैयारियों के लिए अहम थी, बल्कि पार्टी के अंदरूनी मामलों पर भी रोशनी डालती है। हक पाकिस्तान ब्रांड में खुशामदीद। नाजरीन, इमरान खान और अली अमीन गंडापुर की मुलाकात का महवर 24 नवंबर का एहतजाज था, जिसे पीटीआई जमहूरियत की बहाली की तहरीक के तौर पर पेश कर रही है। अली अमीन गंडापुर ने खैबर पख्तूनख्वा में एहतजाज की तैयारियों और एबकस कमेटी इजलास के हवाले से इमरान खान को आगाह किया है। इतलात है कि इस मुलाकात में पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात और क्यादत के हवाले से कुछ अहम फैसले भी जहर बैस हैं। इस मुलाकात की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसके बाइस अदालती कार्रवाई में ताखीर हुई। कॉन्फ्रेंस रूम में जारी ये गुफ्तगू जेल के माहौल में गैर मामूली सरगर्मी की अकासी थी। मुलाकात के बाद गंडापुर मीडिया से बात किए बगैर रवाना हो गए, जिससे क्यास आराइयां मजीद बढ़ गयी कि इस मुलाकात में कुछ इंतहाई हसास मामलात जेरे गौर आए। दूसरी तरफ इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी ने पार्टी के इजलासों में मोबाइल फोन्स पर पाबंदी आयद कर दी है। जराए के मुताबिक ये एकदम इनकी वीडियोस और ऑडियो के मुमकिन लीक होने के खदशे के तहत किया गया है। पीटीआई के अंदरूनी हलके कहते हैं कि ये फैसला न सिर्फ सिक्योरिटी के लिए अहम है, बल्कि पार्टी के नज्म जब्त को भी बेहतर बनाने की कोशिश है। सियासी मुबसरीन का कहना है कि इमरान खान और अली अमीन गंडापुर की मुलाकात ने न सिर्फ पार्टी कारकुनों के लिए नया अजम पैदा किया है, बल्कि 24 नवंबर के एहतजाज के हवाले से एक वाज़े हिकमत अमली की बुनियाद रखी है। ताहम पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात, हुकूमती दबाव और अवामी तासुर इस एहतजाज के लिए बड़े चैलेंज हैं। क्या इमरान खान और अली अमीन गंडापुर की ये मुलाकात 24 नवंबर के एहतजाज को नई सिमत दे सकेगी? क्या बुशरा बीबी के सख्त अहकामात और पार्टी नज्म व जब्त के इकदामात इस एहतजाज को कामयाब बना पाएंगे, या ये एहतजाज पार्टी के अंदरूनी तनाजात और हुकूमती दबाव के बाइस मजीद पेचीदगी का शिकार हो जाएगा? पाकिस्तान की सियासत एक अहम मोड़ पर है और आने वाले दिन इस एहतजाज के असरात को वाज़ेह करेंगे। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए हक पाकिस्तान ट्रेंड।